Hello dear students, welcome to today's class session. Today we will know about the principle of capacitor. Okay. Before that, we should know the term capacitance. Capacitance. Okay. Capacitance in general is defined as the ability to store charge. Okay. The ability to store charge. Now, suppose if we increase a charge upon a body, say a conductor, a plate, okay. Now, if we give plus Q charge over here, so it will be charged as positively charged. As a result of which the potential will also increase, potential of that plate will also increase as we go on increasing the charge. So we can write Q is directly proportional to V. Okay. So Q will be equals to CV. That C is known as capacitance. Capacitance. The ability to store a charge is mathematically, we get the idea from capacitance. We can measure from capacitance, and its unit is farad. Farad. We will explain the principle of capacitor, or what is capacitor. Okay. Suppose we consider a plate, okay, named as plate A. Okay. Now we has given charge over it, say plus Q. So it will be plus Q. We have delivered plus Q charge over it. Okay. So as a result of which the plus Q charge will uniformly distribute over the whole plate A. Now, as a result of which the potential will also increase. हम लोगों ने Q charge इतना दिया कि इसको high potential या फिर maximum potential कर दिया यहाँ पे. That means we have made it max up to maximum potential. Okay, maximum potential तक raise कर दिया. Now, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये सराउंडिंग में चला जाएगा. That means it doesn't have much ability to take charge. Okay, it will leak to the surrounding. Okay. अभी यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्लेट, सेम प्लेट यहाँ पे B प्लेट लेता है, which is initially uncharged. जैसे ही हम यहाँ पे B प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट फेस पे, नियरर फेस पे नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोसेस इज इंडक्शन, और फर्दर फेस में पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप. ओके. नाउ यहां पे आप देख सकते हैं कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहां पे जो डेवलप हुआ, इस प्लेट का पोटेंशियल फिर से थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. और यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस है, इसका भी एक रिपल्सिव एक फोर्स आएगा इस प्लेट के ऊपर, उसके लिए पोटेंशियल को थोड़ा हाई कर दिया. बट कौन सा फोर्स यहां पे ज्यादा होगा? द अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर. दैट मींस फोर्स माइनस विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव वन, क्योंकि द डिस्टेंस इज लेस कंपेरेटिवली टू द पॉजिटिव. ये वाला माइनस चार्ज वाला फेस मतलब प्लेट का लेफ्ट फेस में है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम होगा इस प्लेट से, और इसका थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसके कारण पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स है ये थोड़ा कम होगा और नेगेटिव का फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा. एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है, जिसके कारण इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन डिलीवर मोर चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हम और दे सकते हैं, तो ये और भी ये रिटेन करेगा. तो सपोज मैंने अभी यहां पे फिर से
अगेन वी डिलीवर प्लस फ्यूचर अपॉन प्लेट ए. अभी क्या होगा यहां पे, प्लेट ए को फिर से मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके गया, फिर से मैक्सिमम पोटेंशियल, ओके. और ये वाला दोनों कंडीशन यहां पर. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सपोज मैंने ये वाला फेस को मैंने ग्राउंड कर दिया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू द दिस पोर्शन एंड इट विल न्यूट्रलाइज, ओके, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो यहां पे रहेगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ओके. तो यहां पे हम फिर से और भी चार्ज दे सकते हैं, जैसे ही ग्राउंड करते हैं यहां पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, तो यहां पे और भी अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा. रिपल्सिव फोर्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है. तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा उसके लिए पोटेंशियल इसका फिर से डिक्रीज हो जाएगा. अगेन पोटेंशियल विल डिक्रीज, फिर से हम यहां पे प्लस क्यू चार्ज देते हैं. अगेन वी डिलीवर प्लस क्यू चार्ज टू मेक द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए मैक्सिमम. फिर से मैंने यहां पे दिया, तो मैंने यहां पे क्या किया, अल्टीमेटली इसको फिर से पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैक्सिमम पोटेंशियल तक, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहां पे चार्ज स्टोर हो गया एंड देयर विल एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. सो द अरेंजमेंट, द टोटल अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर और द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. सो कैपेसिटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटलिक कंडक्टर सो दैट व्हेन वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ द अदर कंडक्टर हैज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is also the definition of capacitor, that is the device which can store charge in the form of electric field, that is known as the principle of capacitor. Now agar hum suppose yahan pe maine ek plate le liya jisko hum positively charge kiya, okay, kya ye capacitor hai, is this a capacitor. एक प्लेट ले लिया, सपोज हमने कुछ चार्ज दिया प्लस क्यू, सो इज दिस ए कैपेसिटर, द आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो अ कैपेसिटर, जहां पे आपको दूसरा प्लेट को इंफिनिटी में प्लेस किया ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा. द अदर प्लेट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यू हैव टू एज्यूम इट. सो द सिंगल प्लेट कंडक्टर इज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज कैपेसिटर. Okay, so I think the idea of capacitor and the principle of capacitor is quite clear to you, and if there is further any queries you can comment below. Thank you.